हेलो बच्चों स्वागत है आप सभी का आरबी यूट्यूब क्लास में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ की मैथ से सर्किल चैप्टर का एक थ्योरम ये थ्योरम 10.2 है तो आप बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये थ्योरम ये थ्योरम है 10.2 पॉइंट टू द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्राउन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अर्किल आर इक्वल देखो ये एक सर्किल है इसका सेंटर ओ है और इस सर्किल से बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट पी है अब यहां से हम कितने टेंजेंट डाल सकते हैं वैसे तो किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम दो टेंजेंट डाल सकते हैं एक सर्किल पर ठीक है अब इनका कहना यह है कि देखो ये जो आपने दो टेंजेंट डाला है पी क्यू और पी आर इसे प्रूव करो कि इक्वल है क्या प्रूव करना है इक्वल तो चलिए शुरू करते हैं यहां पे अब देखो प्रूवेंस में सबसे पहले हम गिवन राइट करते हैं क्या राइट करते हैं गिवन तो गिवन जो होता है वो हम इसी से राइट करते हैं सो टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर आर ड्राउन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट विच इज लाइंग आउट साइड द सर्कि विद सेंटर ओ ओके तो गिवेन में हमें क्या लिखना है कि टू टेंजेंट पी क्यू पी आर आर ड्राउन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी विच इज आउट साइड द सर्किल सेंटर तो एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है उससे कोई एक्सटर्नल पॉइंट पी कर रहा है, क्या डालना है? कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर ये जो टेंजेंट है वो क्या है वो इक्वल है बस हमें यही प्रूव करना है तो अगला एडिंग डालेंगे कंस्ट्रक्शन देखो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे पॉइंट ओ क्यू आर और ओपी को ज्वाइन करेंगे सो ज्वाइन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर ओके अब हम एडिंग डालेंगे प्रूफ सो so, यहां से आपको दो ट्रेंगल देखने को मिल रहा है एक ओ क्यू पी और एक ओ आर पी एन ट्रेंगल ओ पी क्यू एंड ट्रेंगल ओ पी आर वी है सबसे पहले देखो जो ओ क्यू है और जो ओ आर है वो इक्वल है ओ क्यू इक्वल टू ओ आर अब इसका रीजन आप बताओगे तब तक मैं नेक्स्ट राइट कर रहा हूं कि ये इक्वल क्यों है नेक्स्ट है हमारा जो ओपी है वो इक्वल है ओ पी के इसका भी रीजन आप ट्राई करो और यहां पर जो एंगल है ओ क्यू पी और ओ आर पी ये भी इक्वल है एंगल ओ क्यू पीवल टू एंगल ओ आर पी ठीक है अब देखो ये जो पहला वाला है इसका रीजन है रेडियाई ऑफ सर्किल ये दोनों क्या है सर्किल की रेडियाई है तो सर्किल की रेडियाई जो होती है वो इक्वल ही होती है आपको पहले से पता है और ये वाला जो है ये कॉमन हो जाएगा क्या हो जाएगा कॉमन और ये वाला क्या है देखो सर्किल का वह पॉइंट जिस पर टेंजेंट मीट करता है सर्किल से वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पे कितना डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का तो ये भी 90 होगा ये भी 90 होगा इसलिए दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे ईच 90 डिग्री कितना ईच 90 डिग्री तो आप इतना राइट डाउन कर लो या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीन ले लो सो ट्रगल ओ पी क्यू कंग्रेंस रूल ट्रेंगल तो जब एक ट्रेंगल दूसरे ट्रेंगल के कंग्रेंट हो जाता है तो उसकी करेस्पॉन्डिंग साइड करेस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं इसलिए जो टेंजेंट है पी आर और पी क्यू वो इक्वल होगा सो so, क्वल टू पी आर बाई सी पी सी टी ये कैसे होगा बाई सी पी सि करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ केंट ट्राइंगल और यही हमें प्रूव करना था हेंस प्रूव्ड हेंस प्रूव्ड ओके तो आप चाहो तो इसे राइट डाउन कर लो या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ तब तक थैंक यू क्लास